देश में अब नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। अब 1 जुलाई 2024 से क्या क्या बदल गया है, आज आपको यही जानना है। तो देखिए, अब आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो गया है, नए कानून आ गए हैं, वो कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, और अब मैं आपको बता देती हूँ हाईलाइट की क्या क्या बदल गया है। तो अब आप जीरो एफआईआर करा सकते हैं, यानी आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाना क्षेत्र में एफआईआर कहीं भी बैठे करा सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज भी आप करवा पाएंगे, यानी अपने मोबाइल से ही कहीं पे भी ये ई एफआईआर आप देश के, दुनिया के किसी कोने में करा सकते हैं। धारा 1731 के तहत ये होगा। अब देखिए, मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भी आएंगे, यानी पूरा डिजिटलाइज्ड हो जाएगा पूरा मामला। अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी होगी, यानी जरूरी होगा कि वो जो वारदात स्थल है उसकी वीडियोग्राफी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए पूरे जस्टिस के प्रोसेस में। मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा फैसला, यानी अब तारीख पे तारीख कोई नहीं देगा, और ये अब जो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम है वो बदलने वाला है। बच्चों को खरीदना बेचना ये जघन्य अपराध होगा, और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए मृत्यु दंड, उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है। बीएनएस 199C के तहत लोक सेवक को यह अनिवार्य होगा कि अगर वो किसी पीड़िता का बयान ले रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी करे, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। शादी के नाम पर जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने धर्म के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, और फिर यौन संबंध बना लेते हैं, उन सबको 10 साल तक की जेल हो सकती है। भीड़ द्वारा पीटकर हत्या यानी मॉब लिंचिंग, झपटमारी यानी स्नैचिंग, इन सब के लिए प्रावधान बनाया गया है। पहले अलग से प्रावधान नहीं था, पहली बार आरोपियों पर होगा मुकदमा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। महिलाओं व बच्चों के लिए अब कानून और भी सख्त हो गए हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई भी अपराध करेंगे तो आपको सख्त सजा मिलेगी। इनके केस में 2 महीने के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी अब शामिल हो गए हैं। फरार घोषित अपराधियों यानी जो भगोड़े, जो देश से भाग जाते हैं अपराध करके, उनकी विदेश में संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फरार घोषित अपराधियों के बिना ही अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद पहली बार जो लोग अपराध करते हैं, जो पहली बार के अपराधी हैं, उनके लिए न्यूनतम सजा को कम किया गया है, और दंड के रूप में उनको सामुदायिक सेवा कराई जाएगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में जांच होना अनिवार्य है, पूरी करनी होगी। पुलिस और अदालती कार्रवाई का पूरा कंप्यूटराइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो गवाह हो, अभियुक्त हो, विशेषज्ञ हो, पीड़ित अदालत में वर्चुअली पेश हो सकता है, यानी अपने वीडियो कॉल के थ्रू वो लोग पेश हो सकते हैं, डिजिटल सबूत दिखा सकते हैं। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, यानी ट्रांसपेरेंसी। देखिए आप, ब्रिटिश काल के राजद्रोह को अब देशद्रोह में बदला गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए उम्र कैद व मृत्यु दंड की सजा है। गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू की जाएगी, नया है। पहले मैं आपको बता दूं, आईपीसी में आपको बता दूं, 511 धारा यानी 511 धाराएं थी, और अब ये धाराएं 358 कर दी गई हैं। आईपीसी धारा 144 आपको पता है, सेक्शन 144, अब वो बदल के 187 हो गया है, जो कि है गैर कानूनी सभा। आईपीसी धारा 302 हो गई है बीएनएस धारा 101 यानी हत्या। आईपीसी धारा 307 हो गई है बीएनएस धारा 109 यानी हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। आईपीसी धारा 420 हो गई है अब बीएनएस धारा 316 यानी ठगी का मामला। तो देखिए, ऐसी कई सारी धाराएं अब चेंज हो गई हैं, बड़े बदलाव हो गए हैं, और इन सब की अवेयरनेस लाने के लिए अब सरकार आपको हर तरीके से अवेयर करने वाली है। और अब आपको भी अपना सिलेबस बदल देना पड़ेगा, क्योंकि अब नई जानकारी आ गई है, जो आपने आईपीसी सीआरपीसी के रट्टे मार रखे होंगे, मैं ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूं, तो अब उसको भूल जाइए, क्योंकि अब पूरी तरीके से कानून बदल गए हैं। न्यूज 24 को देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।